नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट की चुनाव आयोग की अपील के बाद चुनाव हो या ना हो इस पर बहस छिड़ गई है। ऐसे में एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल एस की नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि चुनाव को लेकर फैसला आयोग करेगा। रही बात चुनाव की, तो हमारी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। दूसरी तरफ उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती पर आ जाए फैसले का उन्होंने स्वागत किया। कहा, प्रदेश सरकार का यह बेहतरीन निर्णय है। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, हमारी पार्टी ने भी इसकी मांग की थी। अपना दल इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपने निवास पर मीडिया से बात करते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती पर सरकार द्वारा लिए गए फैसले का स्वागत करते हुए इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। कहा कि उनकी सरकार इस बात की मांग करती आ रही थी और आज इस लड़ाई में उनकी पार्टी को जीत मिली है। इस जीत के लिए वह प्रदेश और केंद्र सरकार की आभारी है। कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा चुनाव आयोग से चुनाव टालने की अपील कर कहा कि हमारी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और वह जैसा करेगी हम उसका पालन करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के जिस प्रकरण में पिछले कई महीनों से लगातार पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आंदोलनरत थे, आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस विषय का समाधान निकालते हुए आदेश पारित किया है और आरक्षण की जो विसंगति हुई थी उसका समाधान किया है। और आज ही से जो हमारे पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो इस विसंगति के कारण प्रभावित हुए थे उनके भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सरकार के इस कदम के लिए मेरी पार्टी अपना दल की ओर से हृदय से अभिनंदन करती हूँ और उनको आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे पिछड़ा और दलित वर्ग के अभ्यर्थी थे जो इस विसंगति के कारण जिनका भविष्य अंधकार में था, सरकार ने आज उनके साथ न्याय किया है। हम सरकार के बहुत आभारी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को भी मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इसमें व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर इस मामले के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए पिछड़ा वर्ग के आंदोलनरत अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया है। कितना संघर्ष करना पड़ा आपको इसके लिए? देखिए, मैंने इस विषय को एक लंबे समय से निरंतर, अब 1.5 साल हो गया है, मैं निरंतर इस विषय पर बातचीत कर रही थी हमारे सहयोगी दल के शीर्ष नेतृत्व के साथ भी, उत्तर प्रदेश के सरकार के मुखिया के साथ भी, और एक सकारात्मक रुख ही रहा सभी हमारे बीजेपी के टॉप लीडरशिप का भी और सरकार के शीर्ष स्तर पर भी। समय ज़रूर लगा लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने इस पूरे विषय के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाई है और आज इसका समाधान निकालते हुए पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया। बीच में उड़ी थी कि अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है अपना दल एस और सरकार के बीच में, तो किसी, ये क्या यही कारण था? तो बात पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कही, उस विसंगति को दूर किया जाए और उस पूरे मामले का निस्तारण किया जाए। सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है उसको भी संज्ञान में लिया और महसूस किया। कल नारायणपुर पंप के नाल हमारा एक दूसरी सक्सेस, बहुत बड़ी है जिले के लिए, मैं बहुत टाइम से प्रयास कर रही हूं, धर्मपाल सिंह लगी हुई थी जाके, अब जाके हुआ है। चलिए, तो लेकिन अब सारे एमएलए कम से कम नहीं, जिले के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपका प्रयास बहुत सराहनीय। अच्छा, जो परियोजना वापस चली गई थी क्या एक और 50 फीट का आयुष हॉस्पिटल जो है उसका भी लैंड सर्वे वर्ग करा के सब रिपोर्ट मैंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पहुंचा दिया, बहुत जल्दी वो भी मिल जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि कहीं कहीं ये भी हो रहा है कि ये हमारे काम बोलता है और ये काम लगा हुआ है, देख रहा है दिल जो बोले मान लीजिए। ये विषय काफी लंबे समय से 1.5 साल से लटका हुआ था और छात्र आंदोलन कर रहे हैं आज लगभग 5 महीने से। समय लगा है, इसमें कुछ पेचीदगियां हो सकती हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन अंत भला तो सब भला। सरकार ने इस विषय का निस्तारण किया है। मैं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निरंतर इस बात के लिए आश्वस्त भी कर रही थी कि हमारी बातचीत सरकार के स्तर पर हुई है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस विषय को लेकर गंभीर है और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस मामले को हल किया है।
अच्छा, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल जो है इस बात को कहा है कि चुनाव को टाल दिया जाए, ओमिक्रॉन के वेरिएंट को लेकर बहुत ज़्यादा संक्रामकता जिस तरीके से बहुत ज़्यादा है, तो आप अपनी पार्टी की तरफ से आपकी क्या राय है, क्या चुनाव को टाला जाना चाहिए, ये जनहित में है? देखिए, जहाँ तक कोरोना की बात है तो हम सभी को जो हमारे इस ओमिक्रॉन का जो ये नया वेरिएंट आया है कोरोना का, जहाँ तक इससे बचाव की बात है तो जो हमारे स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हैं, हमारे एम्स के डायरेक्टर ने दो बातें कही हैं जो हमारी सरकार भी बार बार कह रही है कि दो ही तरीके हैं, एक जो हमारा कोविड उपयुक्त व्यवहार है उसका हम पालन करें और दूसरा वैक्सीनेशन जिसने भी नहीं कराया है वो कराए। ये ओमिक्रॉन से या किसी भी अगला जो कोई नया वेरिएंट अगर आए तो उससे बचाव के यही तरीके हैं, लेकिन चुनाव करना है नहीं करना है ये चुनाव आयोग ने तय करना है। हमारी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन जो ओमिक्रॉन का जिस तरीके से उसका उसके बारे में जो विशेषज्ञों की राय आ रही है कि शायद फरवरी में तीसरी लहर आ सकती है, मुझे लगता है कि ये फैसला चुनाव आयोग ने करना है और हम सब उनके फैसले के अनुरूप काम करेंगे। मैम, छात्रों ने खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN न्यूज़।